इसमें पानी की जो है एक बूंद भी नहीं आ रही है। एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। नवे पाइप लाइन खाली है, 7 महीने हो गए, रोड खोद के रख दिया मेरे, कभी नल टूटता है, कभी पानी नहीं आता, कभी लाइट चली जाती है। यहाँ पर हमको 3 महीने हो गए ये खड्डे करके पाइप नहीं फिट करी है, अभी ये खड्डे कर रखे हैं हम। फिर दूसरी लाइन दिए थे, दूसरी लाइन में अभी पानी नहीं दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं धनारी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 में, जहां आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीणों में आक्रोश है और यहां पर पानी की समस्या को लेकर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या क्या समस्या है और ये सब जो है एकत्रित क्यों हुए। जी, क्या समस्या है? पानी नहीं आवतो, आज महीना भरिया हुआ पानी नहीं आवतो, कदे कन नहीं आवतो, ना खोतरिया खाड़ा खोतरिया ने का कारण थी पानी नहीं आ रही। नवे पाइप लाइन डाली है, नई पाइप लाइन डाली है, पैसे लगे गए 1500-1500 रुपए लगे, कोई सुनवाई नहीं, 7 महीने हो गए, रोड खोद के रख दिया मेरे, कोई सगे संबंधी आए तो वो कैसे आए, बाइक लेके आ नहीं सकते, बाइक गाड़ियां लेके आ नहीं आ सकते, कोई शादी ब्याह हो तो फंक्शन में हमको दिक्कत है, सब हर सबन से एक दिक्कत है हमको, और बोरिंग खोद के 1 साल हो गई, उसकी मोटर भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो आपको ये पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर पानी लेने जाना है, वहाँ भी समस्या है, वहाँ भी कभी नल टूटता है, कभी पानी नहीं आता, कभी लाइट चली जाती है, उसकी भी समस्या है। तो यहाँ गांव में जो है पाइपलाइन और पाइप लगा चुके हैं, पाइप लगा चुके हैं, मगर उसमें पानी भी नहीं आ रहा, क्या करे, एक लोटा भी पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, तो क्या पैसे लिए 1500-1500 रुपए। और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या क्या समस्या है? और यहाँ हमारे पानी नहीं आते, नहीं खड्डा है, रोड पे है, सब ऐसे ही पड़ा रहे, तो पंचायत वाले कुछ जाते हैं सब जने तो वो भगा देते। जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है हीरागरवास में वो है पानी की, और यहाँ पे लगभग 2 से 3 महीने पहले यहाँ पे पाइप लाइन बिछाई हुई है और इन पाइपों में जो है पानी नहीं आ रहा है। यहाँ और भी उपस्थित लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? बाबूलाल लाला जी। यहाँ पर हमको 3 महीने हो गए ये खड्डे करके पाइप नहीं फिट करी है, और पाइप फिट करने के बाद ना तो कोई चेक करने आ रहे हैं, ना हमारे पानी आ रहा है। आज 3 महीने से हमारी औरतें गांव में जाके किसी को घरों में इधर उधर से मांग के पानी भर भर के आ रहे हैं, बहुत ही समस्या है। अभी ये खड्डे कर रखे हैं, हमारे कोई मेहमान है, कोई आ रहा है देख के, और रात को तो ठोकर खा के गिरते हैं। वो हमारे एक भाभी है, उनके कमर में और सर में चोट आई इस खड्डे के वजह से, और कोई हमारी देख रेख नहीं है। तो इसको लेकर आपने पंचायत या उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत की है? सब जगह बोल बोल के थक गए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। और भी यहाँ पे मौजूद है, जी बताइए, आप सर बताइए। यहाँ पे 3 महीने से पहले की बात है, ये खड्डा खोद के गए पाइपलाइन के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ये खोद के रखा है लेकिन वो बोले गए भाई रोड आ रहा है, ना रोड कहाँ है, पाइपलाइन ली सबसे, सबको पाइपलाइन दी है, पहले पुरानी थी हमारे, पानी सही आ रहा था, उसका बंद करके फिर दूसरी लाइन दिए थे, दूसरी लाइन में अभी पानी नहीं दे रहे। तो यहाँ जो ठेकेदार आए थे वो कहाँ है? ठेकेदार तो हमको मालूम नहीं कौन सा ठेकेदार है, करके चले गए। अभी ठेकेदार अभी हमारे सामने आवे तो हमको मालूम नहीं है कौन सा ठेकेदार है उसमें से। सरपंच को कहता तो सरपंच तो ध्यान ही नहीं दे रहा, वो फोन करते तो फोन भी नहीं उठा रहा। ग्राम पंचायत धनारी के वार्ड संख्या 8 में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर जो है पाइप बिछाए हुए हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नल भी लगाए हुए हैं, और मैं कैमरामैन साथी को कहूंगा कि यहाँ पे एक बार नल की स्थिति बताएं। मैं ये नल चालू कर रहा हूँ लेकिन इसमें पानी की जो है एक बूंद भी नहीं आ रही है। इस प्रकार की जो है अव्यवस्था ग्राम पंचायत धनारी के वार्ड संख्या 8 हीरागरवास में हो रही है, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनमें आक्रोश है पानी की समस्या को लेकर। पानी हमारा एक मूलभूत सुविधा का जो एक अंग है, पानी के बिना जो है घर के कई काम जो है अधूरे रहते हैं। ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि खाली बाल्टियां लेकर यहाँ मौजूद है, और यहाँ से इनको इनके अनुसार 1 किलोमीटर दूर जाकर इनको पानी लाना पड़ता है, और उसके बाद जो है इनके घर के जो है दूसरे काम होते हैं। यहाँ एक हेडपंप भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन उसमें जो है खारा पानी आता है, जो पानी घर के कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है इनकी सरकार से और
डिपार्टमेंट से मांग है कि इनकी जो है समस्या उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और जो ये अव्यवस्था हुई है इसको जल्द से जल्द पूरा कर इनको जो है अपनी मूलभूत पानी की सुविधा दिलवाई जाए। इनका कहना है कि ये जो गली है उसमें पूरी जो है खुदाई कर रखी है, इसके कारण से इनके घरों के बाहर तक जो है साधन भी नहीं आते और इनके जो पेशेंट है उनको भी जो है दूर आना पड़ता है और उसके बाद में यहाँ आकर ये जो है टेम्पो में बिठा कर अब हॉस्पिटल जाएंगे। इस वजह से इनका जो है टेम्पो का खर्च भी जो है दोगुना हो जाता है, लेकिन गांव की परिस्थिति और गली की परिस्थिति ऐसी कैसी बनी हुई है। गांव में ही जो है एक दूसरी गली में एक हेडपंप है जिसकी परिस्थिति आप देख पा रहे होंगे कि इस हेडपंप की जो ऐसी स्थिति है कि इसमें से जो है पानी नहीं आ सकता। इनसे जानते हैं कि ये इस हेडपंप की स्थिति कितने लंबे समय से जो है ऐसी पड़ी हुई है और इसका जो पानी है वो कैसा है। ये पानी बहुत मीठा है लेकिन साल भर से ये हेडपंप खराब पड़ा हुआ है और इसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। इसको लेके आपने पंचायत में जो है सही करवाने के लिए शिकायत नहीं दी? कई बार इनको क्या हुआ बाकी उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कारण है इसको क्यों नहीं करने आ रहे? अब ये कारण तो वही बता सकते हैं। अच्छा, बाकी एक हैंडपंप वहाँ है वही बार बार खराब होता है। अच्छा, ठीक करवाते हैं वापस ठीक होता है वापस खराब हो जाता है। तो गाँव वालों को जो है पानी के लिए इतनी समस्या हो रही है तो इसको लेकर जो है आपको तो काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां तो आती है। जब पानी बराबर आता है जब तो कोई बात नहीं भाई, 10-15 घंटा चालू करते हैं फिर बंद कर लेते हैं। तो मवेशी इतने सारे लोग हैं तो उनको तो इतना पानी पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए पानी की सुविधा बढ़ाई जाए, इसकी अवधि भी बढ़ाई जाए ताकि सबको पानी पर्याप्त मिल सके। कितने कितने समय में जो है पानी चालू करते हैं? अब तो कोई ठिकाना नहीं है, वो आता है पानी खोलने वाला जब वो कभी 2 बजे आता है, कभी सुबह भी आ जाता है, कभी शाम को आता है, ऐसा है। आपके क्या मांग है, आपको कितना पानी जो है कितने समय के लिए चाहिए? हाँ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी कम से कम 1 घंटा चाहिए। अच्छा, 1 घंटा बराबर चले पानी? 1 घंटा भी नहीं चलता? नहीं चलता है। आज बोला कि मैंने 8 बजे चालू किया है, अभी तक कहीं किसी नल में पानी नहीं है। अच्छा, बोला कि 8 बजे मैं चालू करके चला गया हूँ, आके 2 घंटे के बाद में बंद कर, 2 घंटे तो हो गए अब वो बंद करेगा कहाँ? आपने देखा है कहीं कहीं आ रहा है पानी? ₹1500 પેલા તો દીધા ને અમે પાછો મુઠી કરાવી રહ્યો પાછો ખુદ રહ્યું ને પાછો ખુદ રહ્યું પણ અમે પાછો ખોતરા ને પાછો સેજ પાડીને સહી કીધું અચ્છા તો પોણી નહીં આવે રહ્યું પરિસ્થિતિ અમે પાછો ખોતરા ને પાછો સેજ પાડીને સહી કીધું અચ્છા તો પોતે પોણી નહીં આવે રહ્યું તોય ઠીક ઓ બીવેરા તો ખુદ આવ્યું મેં कहाँ से लेके आ रहे पानी आप? 1 किलोमीटर दूर से। अच्छा, फैमिली हमारे बड़ी है, पानी लाने में हमारे 2 घंटे लग जाते लेकिन नलों में पानी बिल्कुल आता ही नहीं हमारे, ये समस्या हमारे बहुत। 2 बाल्टी पानी से आपका काम हो जाएगा? नहीं नहीं होगा, तो वापस दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। तो कितने चक्कर आपके हो जाते आने जाने में? ये 2 घंटे लगेंगे पानी भरने में तो। अच्छा, हाँ। ये यहाँ बोरिंग खोदा है पर इसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, देख लो ये कनेक्शन नहीं हुआ है तो हमारे गांव में वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इसको कनेक्शन क्यों नहीं किया? क्या पता, यहाँ पर डीबी भी नहीं लगी अभी तक तो। अच्छा,
तो अभी जो पानी वो कहाँ से आ रहा है? वहाँ तो पुरानी दनारी से जो पुरानी लाइन थी उसमें पानी कम आता था, वो ही लाइन इसमें जोड़ दिए। नियम के अनुसार यहाँ से जोड़ना था? यहाँ से जोड़ना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ से जोड़ते हो तो क्या पानी मिल जाएगा? फुल सप्लाई हो जाएगी। अच्छा, तो क्यों नहीं जोड़ा? कितने समय से नहीं जोड़ा ये? ये चार पाँच महीने हो गए ये बोरिंग खुदवाया है, पर कोई पानी की कोई समस्या को हल नहीं हुआ। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, और पानी भी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बोरिंग से। बोरिंग भी हमारे घर के पास में पड़ रहा है, देख लो। कहाँ घर है आपका? ये हमारा घर है। अच्छा, उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है, यहाँ की बहुत समस्या है। तो आप इससे पानी नहीं ले पा रहे तो पानी के लिए कहाँ जाते हैं? पानी हमारे खेत पे जा रहे हैं, खेत पे। ये कितना दूर है यहाँ से? दूर है खेत तो कम से कम 1 किलोमीटर होगा। अच्छा, और वहाँ से अगर यहाँ से हो जाए तो फिर आपको पानी की सुविधा हो जाएगी? हो जाएगी सुविधा। इसको बनाए हुए कितना समय हुआ? इसको तो मैक्सिमम हो गया होगा 4 महीने। 4 महीने? हाँ, लेकिन कनेक्शन नहीं किया? कनेक्शन नहीं किया। अच्छा, आपके घर तक पाइप आ गए? हाँ, पाइप तो आ गए। नलों में पानी नहीं है? पानी नहीं है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि ये जो नई पानी की जो योजना थी उसके लिए यहाँ पे बोरिंग किया गया था, लेकिन बोरिंग को जो है कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया और जिसकी वजह से ये यूं का यूं ही पड़ा है। ये कहानी थी ग्राम पंचायत दनारी की, और दनारी के जो वार्ड संख्या 8 है वहां की, जिसमें लोगों को लंबे समय से पानी की असुविधाओं से सामना करना पड़ रहा है। और वही ग्राम पंचायत दनारी के कई ऐसी गलियां और कई ऐसे वार्ड है जिसमें नालियों में गंदगी भरी हुई पड़ी है, जिससे बीमारियों का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये आपको खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देवनगरी इंडिया न्यूज की टीम इसी तरह प्रत्येक गांव में जाती है और वहां की समस्याओं को सामने लाती है। कैमरा पर्सन के साथ राहुल रावल, देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।